आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। लेकिन इस बार मैं आपको कहानी नहीं बल्कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविता सुना रहा हूँ। वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी व प्रशंसनीय राजनेता रहे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अटल जी पिछले 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे, साथ ही वो इकलौते राजनेता हैं जो 4 अलग-अलग प्रदेश से सांसद चुने गए। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बहुत अच्छे कवि भी थे जो राजनीति पर भी अपनी कविता और व्यंग्य से सबको आश्चर्यचकित करते रहे। उनकी बहुत सी रचनाएं पब्लिश भी हुई जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से भी प्रेम था। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। आइए सुनते हैं अटल जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कविता, मौत से ठन गई। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छुपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का सवर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी बन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। बस इतनी सी थी ये कविता। दोस्तों अटल जी को संगीत का भी बहुत शौक था। उनके पसंदीदा गायक लता मंगेशकर, मुकेश व मोहम्मद रफी रहे। अटल जी ने आजीवन शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस पर वो कायम भी रहे। उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता व नंदिता के वो बेहद करीब थे। अटल जी अपने सभी रिश्तेदारों से भी बेहद लगाव रखते थे। 93 साल के हो चुके अटल जी बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहे। उन्हें घुटने का दर्द, शुगर और उम्र के हिसाब से कई बीमारियों ने घेरा। देश की एक प्रसिद्ध पार्टी के लिए अटल जी एक पिता की तरह रहे। आज देश का हर एक नागरिक अटल जी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। अपने राजनीतिक कार्यों के साथ साथ देश उन्हें एक महान कवि के रूप में याद करता रहेगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ अपने साथी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।